Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you solution of exercise of chapter number 14, electric current and its effect of science, standard 7. In the first and second session, I have already explained you the chapter. So now in this session, I am going to continue this session with the solution of exercise. So let's start. Question number 1 is, draw in your notebook the symbols to represent the following components of electrical circuits connecting wires, switch in the off position, bulb, cell, switch in the on position and battery. We have already discussed about the symbols of electric circuits. It is easier to draw a circuit with the help of symbols. तो हम फिज़िकल कंपोनेंट्स के बदले क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, राइट. सो हमें यहाँ पे बताया है कि कुछ कंपोनेंट्स के नाम दिए हैं, हमें उनके जो सिंबल्स हैं वो ड्रॉ करने हैं. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर इज हियर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर गिवन एंड हियर वी नीड टू ड्रॉ सिंबल्स ऑफ दैम. फर्स्ट वन इज़ कनेक्टिंग वायर्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन. सो उसका सिम्बॉल एक लाइन है. Next one is switch in off position. Whenever switch is in off position, it doesn't allow the current to pass through it because circuit जो है वो complete नहीं होती है. So symbol is like this. ये यहाँ से open है, so current flow नहीं होगा. Next one is bulb. Bulb can be represented by this symbol. Next one is cell. This one is the symbol of cell. It has one terminal longer and another is shorter. Longer terminal is considered as positive terminal and shorter one is negative terminal. Next one is switch in on position. This represents switch in on position, जहाँ पे path जो है वो complete हो जाता है. And last one is battery. We know that whenever we connect more than one cell in series, then we consider it as a battery, right? तो यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल जो है वो कनेक्ट होते हैं. बट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट वन थिंग, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होने चाहिए. सिमिलर पोलारिटी जो है वो कनेक्शन में नहीं होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शॉन इन फिगर. अब हम यहाँ पे एक सर्किट जो है वो दी गई है, उसका हमें सर्किट डायग्राम जो है वो बनाना है, यानी सिंबल की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करना है. कितनी चीज़ें हैं, लेट्स सी. दिस वन इज़ अ बल्ब, दिस वन इज़ अ सेल, दिस वन इज़ अ स्विच. सेफ्टी पिन जो है यहाँ पे वो एज अ स्विच वर्क करेगी. एंड हियर यू कैन सी ये कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, सो इट इज़ ओपन सर्किट. एंड ये रेड एंड ग्रीन कलर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स वायर्स, राइट. सो आंसर इज वन बैट सेल, जो ये सेल जो है उसको रिप्रेजेंट करता है. दिस वन इज़ अ बल्ब, ये ओपन सर्किट है. और यहाँ से ये वायर्स जो है, लाइंस जो है, वो वायर्स रिप्रेजेंट करते हैं, सो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर शोज फोर सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड. ड्रॉ लाइंस टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट द टर्मिनल्स विथ वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ फोर सेल्स. अब यहाँ पे हमें फोर सेल्स दिए गए हैं, राइट. इन फोर सेल्स को हमें ऐसे कनेक्ट करना है कि वो उससे बैटरी फॉर्म हो. वी नो दैट बैटरी अगर फॉर्म करनी है तो सेल्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं. बट वन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द अदर वन. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर इज यहाँ पे सी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा, सो नीचे से कनेक्टेड है, राइट. इन दिस वे वी शुड कनेक्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो जो कनेक्शन है वो ऑपोजिट पोलारिटीज का ही दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बल्ब इन द सर्किट शॉन इन फिगर डज नॉट ग्लो. कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो. अब हमें यहाँ पे एक सर्किट दी गई है, ये सर्किट में आप देख सकते हो कनेक्शन तो क्लोज है, फिर भी ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है. तो हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और फिर हमें उस प्रॉब्लम को रिजोल्व भी करना है, सर्किट को प्रॉपरली कनेक्ट करना है. सो लेट्स सी द आंसर. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल, सो बल्ब डजेंट ग्लो.
हियर यू कैन सी दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. आइडियली एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए. सो दिस वन इज़ अ मिस्टेक. हमें दोनों में से किसी एक सेल की जो पोजीशन है ना वो चेंज कर देनी चाहिए. सो हियर यू कैन सी ये जो सेल है उसकी पोजीशन चेंज की गई है. दिस वन इज एज इट इज. सो नाउ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमने चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. हमें यहाँ पे दो इफेक्ट्स बतानी है. लेट्स सी द आंसर. इलेक्ट्रिक करंट हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव राइज टू हीटिंग व्हिच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट कब जहाँ पे भी सर्किट में से फ्लो होता है वहाँ पे हीट जनरेट करता है राइट, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं. हियर यू कैन सी ये जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस हीटर के अंदर ना कोयल यूज़ होती है जिसमें हीट जनरेट होती है एंड हम इस हीट को यूटिलाइज करते हैं. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक करंट कैन कन्वर्ट अ कंडक्टर इंटू अ टेम्पररी मैग्नेट विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है ना तब वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, बट वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है. उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं बिकॉज जितने टाइम के लिए उसमें से करंट फ्लो होगा उतने ही टाइम तक वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है. सो ये टेम्पररी मैग्नेट है और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और सिंपली मैग्नेटिक इफेक्ट. वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं तो बेल जो होती है इलेक्ट्रिकल बेल उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसको यूज़ किया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर अ कंपास नीडल कैप्ड नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन एक्सप्लेन. ये एक्टिविटी हमने चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की थी कि जब भी अगर हम एक करंट है जिसमें से वायर में से करंट फ्लो हो रहा है उसको हम नीडल के पास रखेंगे ना तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, ऐसा क्यों होता है. आंसर इज व्हेन करंट इज पास थ्रू द वायर इट डिफ्लेक्ट्स द कंपास नियर इट फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन लाइक अ मैग्नेट. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. एज वी नो दैट नीडल्स ऑफ कंपास इज मेड अप ऑफ अ थिन मैग्नेट. When this needle comes in contact with another magnet, then the like poles of the magnet repel each other and opposite poles attract each other. So the deflection is seen in the needle. अब हमें एक चीज़ पता है कि जब भी वायर के अंदर से ना करंट फ्लो होता है तो वो एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट करता है, यानी कि वो थोड़ा टेम्पररी एक मैग्नेट बनता है राइट. और कंपास की जो नीडल है वो भी एक मैग्नेट से बनी हुई होती है और वो नीडल क्या रिप्रेजेंट करती है, हमें नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये कंपास की जो नीडल है उसको कहाँ पे रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर बाई रखा. सो क्या हुआ, दो मैग्नेट एक दूसरे से पास आए. सो यहाँ पे या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा बिकॉज यू नो वेरी वेल अगर सेम पोल्स होंगे तो रिपल्शन होगा एंड ऑपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होगा. सो ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से अट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता है. इट मीन्स जो नीडल है ना वो अपनी नॉर्थ साउथ पोजिशन से डिफ्लेक्ट होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय द फिगर इज क्लोज्ड. अब यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हो, यहाँ पे अभी सर्किट में जो स्विच है ना वो ओपन है. नाउ क्वेश्चन इज अगर मैं ये स्विच को क्लोज कर दूँ तो क्या यहाँ पे जो ये कंपास नीडल रखी है वो डिफ्लेक्शन हमें इंडिकेट करेगी, वो डिफ्लेक्ट होगी. वी नीड टू गिव द आंसर. डिफ्लेक्ट कब होगी, जब सर्किट के अंदर से अगर करंट फ्लो होता है तो डेफिनेटली डिफ्लेक्ट होगी राइट. बट लुक एट दिस सर्किट केयरफुली एंड थिंक. नाउ लेट मी गिव यू आंसर. आंसर इज नो, बिकॉज देर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट एज देर इज नो बैटरी और वी कैन से नो सेल. अब यहाँ पे सेल या बैटरी है ही नहीं तो करंट किस में से फ्लो होगा, डेफिनेटली करंट फ्लो होने के कोई चांसेस नहीं है, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा. तो नीडल जो है वो अपने नॉर्थ साउथ पोजिशन में ही रहेगी, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज
longer line in the symbol for a cell represent its dash terminal. अब longer line जो होती है ना cell के symbol में, वो क्या represent करती है? It represents positive terminal. Next one is the combination of two or more cell is called a dash. अब दो या दो से ज़्यादा सेल को हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बैटरी. सो करेक्ट आंसर इज बैटरी. नेक्स्ट वन इज व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट डैश. अगर हम हीटर के अंदर से स्विच ऑन करेंगे हीटर की, तो डेफिनेटली उसमें से करंट फ्लो होगा, वो क्या करेगा? आंसर इज बिकम्स रेड हॉट एंड एमिट्स हीट. तो ये वायर क्या करेगा? रेड कलर का हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, राइट? और ये हीट को एमिट करता है, जिस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं रूम को वार्म रखने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ डैश. अब हम हीटिंग इफेक्ट जो है उसको यूटिलाइज करते हैं एक सेफ्टी डिवाइस में, यानी कि घर के अंदर अगर ओवरलोडिंग होता है या ओवर करंट फ्लो होता है तो ये डिवाइस एज अ सेफ्टी डिवाइस हम यूज़ करते हैं. उसका नाम क्या है? इट इज़ कॉल्ड अ फ्यूज. दिस वन इज द डायग्राम ऑफ फ्यूज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स. अब स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स वो हमें बताना है. First one is to make a battery of two cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. अगर हमें दो सेल की हेल्प से एक बैटरी बनानी है तो एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए. Is it true or false? Definitely it is false. Next one is when the electric current through the fuse exit a certain limit, the fuse wire melts and breaks. अब फ्यूज के अंदर से अगर लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज का जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा. इज इट ट्रू और नॉट? येस इट इज ट्रू. इसीलिए तो हम उसको एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आयन को अट्रैक्ट नहीं करता है. इट इज फॉल्स बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्मल मैग्नेट की तरह ही आयन जो है उसको अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. येस इट इज ट्रू. इसीलिए तो हम ये बेल के अंदर ये जो दो आप यहाँ पे देख रहे हो कोयल जैसा कंस्ट्रक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं जब उसमें से करंट फ्लो होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage heap? Explain. आपको लगता है कि electromagnet जो है उसको use करके हम अगर पूरा garbage है, कचरा पड़ा है अगर, तो उसमें से क्या हम plastic bags को separate कर सकते हैं electromagnet को use करके? Answer is no. The plastic bags do not attracted by the magnet, so they cannot be separated by an electromagnet. Plastic bags are not magnetic materials. Only magnetic materials like iron can be attracted by the magnet. हम plastic bag को ना electromagnet की help से separate नहीं कर सकते हैं, because plastic bags जो है ना वो magnetic material नहीं है. और electromagnet या तो जो conventional हम generalized magnet use करते हैं वो सिर्फ iron या ऐसे magnetic material को ही अपने towards attract करता है. So it is not possible to use electromagnet to separate the plastic bags from the garbage heap. Next question is An electrician is carrying out some repairs in your house. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? Give reasons for your response. आपके घर पे ना जो फ्यूज़ है ना वो ब्लो ऑफ हो चुका है, उसका वायर जो है ना वो ब्रेक हो चुका है. अब आपके घर पे जो इलेक्ट्रिशियन आया है वो एक सिंपल एक वायर को यूज़ कर रहे हैं उसको फ्यूज़ को वापस रिप्लेस करने के लिए, और आपको अब फ्यूज़ नहीं लगाना है वहाँ पे, एक सिंपली एक वायर ही कनेक्ट कर दो. सो सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगी, करंट तो फ्लो होगा. बट इस कंडीशन से आप अग्री हो जाओगे? येस और नो. हमें आंसर देना है रीज़न के साथ. आंसर इज़ नो, वी वुड नॉट अग्री टू अलाउ टू रिप्लेस द फ्यूज़ बाय अ वायर.
वायर्स इन द फ्यूजेज आर ऑफ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट्स, सो वी शुड ऑलवेज यूज ISI मार्क फ्यूजेज इन आर हाउस टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट्स। हम फ्यूज के बदले वायर यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज हमने चैप्टर के अंदर ऑलरेडी देखा है कि फ्यूज़ के अंदर स्पेशल टाइप के वायर्स होते हैं जो हायर टेम्परेचर पे, यानी कि अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो वो वायर ज़्यादा गर्म होगा और फ्यूज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाता है उसका अंदर का फ्यूज़ का एलिमेंट। अगर आपने वायर से रिप्लेस किया तो वायर जो है वो उतना जल्दी नॉर्मली ब्रेक नहीं होता है, सो सर्किट जो है वो ब्रेक नहीं होगी, तो बहुत सारे घर के अंदर डिवाइसेज है उसको नुकसान होने के चांसेज है, सो हमें अग्री नहीं होना चाहिए। इवन जो हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं ना वो ISI मार्क वाले होने चाहिए, एज़ पर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर, अ स्विच एंड अ बल्ब। व्हेन शी पुट द स्विच इन ऑन पोजिशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो। हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट। अब जुबेदा ने क्या किया है कि एक सेल होल्डर बनाया है जिसमें दो सेल्स रखे हैं, राइट। फिर उसने इसके साथ एक स्विच कनेक्ट की है, एक बल्ब भी कनेक्ट किया, बट जब स्विच ऑन पोजीशन पे रखी ना तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। अब हमें जुबेदा को हेल्प करनी है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सो लेट्स सी द आंसर। फॉलोइंग डिफेक्ट्स कैन बी देयर इन द सर्किट। द कनेक्टिंग वायर्स मे बी लूज, द इलेक्ट्रिक सेल मे बी यूज्ड अप, पोलारिटी ऑफ कनेक्शन माइट बी रॉन्ग, सेल पावर हैज़ बीन एग्जस्टेड। अब इसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक फर्स्ट वन, अगर आपके कनेक्टिंग वायर्स जो है ना वो लूज है तो भी पाथ कंप्लीट नहीं होगा, सो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल जो है ना वो हो सकता है कि वो पूरा यूज़ हो चुका है, या तो वो एग्जस्ट हो चुका है, और कनेक्शन की जो पोलारिटी है वो शायद आपकी रॉन्ग हो सकती है, और सेल जो है ना वो एग्जिस्ट हो चुका है, वो पूरा ख़राब हो चुका है, तो भी ये जो है वो पूरी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। पाथ अगर नहीं मिलेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। हो सकता है इसमें से एक प्रॉब्लम हो या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सर्किट शोन इन फिगर, हियर सर्किट इज गिवन, एंड उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। Would any of the bulb glow when the switch is in off position? अब देख सकते हो स्विच ऑलरेडी ऑफ पोजिशन पे है। इस कंडीशन पे क्या इसमें से कोई भी बल्ब जो है वो ग्लो होगा? अगर स्विच ऑफ पोजिशन पे है तो करंट को कंप्लीट पाथ नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी द आंसर। नो, बल्ब विल नॉट ग्लो। एक भी बल्ब इसमें से ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी एंड सी विल ग्लो वैन द स्विच इज मूव टू दी ऑन पोजिशन। अगर हम स्विच को ऑन पोजिशन पर रख दें, यानी कि यहाँ पर पाथ कम्प्लीट हो जाता है और करंट फ्लो होता है, तो बल्ब जो है वो कौन सी सिक्वेंस के अंदर ग्लो होंगे? आंसर इज ऑल बल्ब्स विल ग्लो साइमल्टेनियसली। सारे बल्ब एक साथ ही ग्लो होंगे, बिकॉज करंट को फ्लो होने में उतना टाइम नहीं लगता है, सो एट ए टाइम ये बल्ब जो है वो ग्लो होना स्टार्ट करेंगे। Here I have explained you entire exercise. Thank you. Thank you for watching my video. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon. And if you have really liked the video, don't forget to like it and share it with your friends. Keep watching videos on my channel. Thank you.